एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मौसम काफ़ी ठंडा हो गया यहाँ पे। और यहाँ का मौसम इतना फनी है ना, क्या बताया जाए। रात में जब हम लोग सोने जा रहे थे तब गर्मी लग रही थी, और फिर जैसे ही सोए सुबह में ठंड लगने लगी। अब एसी चला के सोए थे, सुबह सुबह ठंड लग रही थी, तो थोड़ा सा भी मुझे जुकाम जैसा भी हो गया, उसकी वजह से थोड़ी सर्दी हो जाती है मुझे जल्दी जल्दी। मौसम चेंज होता है तो इसकी वजह से। तो आज हम लोग को बहुत सारा काम भी है, तो सोच रहे हैं कि आज दिन में मौसम अच्छा हो तो हम लोग बैकयार्ड की क्लीनिंग वगैरह कर पाएँ। बहुत सारा काम होता है यहाँ पे बैकयार्ड में करने के लिए, तो उसके लिए भी एक दिन निकालना पड़ता है। तो आज हमने दिन निकाल लिया है कि आज तो भैया पक्का ये करके रहेंगे, क्योंकि ऐसे सोचते रहो तो पूरा मतलब टाइम निकल जाता है। आराम से बैठ के कोई सीरीज़ देखने लगो, कोई मूवी देखने लगो, छुट्टी वाला दिन इसमें ही निकल जाता है। लेकिन हम लोग अब आज सोच के रखे कि आज तो बैकयार्ड क्लीन करना ही है, तो आज वो काम करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग सोच रहे थोड़ा ईशानवी को भी लेके बाहर निकलेंगे, तो उसको भी अच्छा लगेगा। वो लोगों को देख के उसको अच्छा लगता है, बट उसको बस ये नहीं पसंद है कि कोई ज़्यादा उसे टच करे और ये करे, तो वो चीज़ उसको नहीं पसंद है। बाकी वो बहुत सोशल है, जितने लोगों को देखती है सब लोगों को हाय हेलो, और उसको तो बहुत मज़ा आता है। मतलब प्लेग्राउंड में तो सारे बच्चों को मज़ा आता है, और यहाँ पे तो हम लोगों के बैकयार्ड में एक सैंड बॉक्स भी है, उसमें वो मस्त खेलती रहती है। तो यूजुअली हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती उसको कि लेके जाएं। थोड़ा कोविड अभी बहुत कंट्रोल में हो गया है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मास्क लगाना भी अब मैंडेटरी नहीं है, मतलब पब्लिक प्लेस पे। मोस्टली शॉपिंग मॉल वगैरह या किसी स्टोर में जा रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, तो वहाँ पे कंपलसरी है लगाना, बाकी और कहीं नहीं है। और हम लोग सोच रहे हैं इसको लेके, बगल में ही एक पार्क है जो बिल्कुल खाली रहता है, उसमें कोई नहीं जाता है। यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे पार्क है, बहुत बड़े बड़े, तो ज़्यादा भीड़ उधर ही रहती है। उसमें तो हम लोग बहुत दिन गए ऐसे शाम वाम में, तो कोई रहता नहीं है, तो वहीं पे हम लोग जा रहे हैं आज शाम को। सोचे हैं, देखेंगे काम कितना होता है, टाइम बचता है उस हिसाब से। और फिर उसके बाद कुछ एक सामान लेना है, जिसके लिए हम लोग को शायद कैनेडियन टायर जाना पड़े, तो देखेंगे टाइम के हिसाब से जैसे होता है वैसे चलेंगे कैनेडियन टायर भी। और एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी, जो मैंने किचन कैबिनेट का DIY किया था, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वो DIY बहुत ही इजी है, और मतलब बहुत इजी है, कोई भी कर सकता है, और बहुत सुंदर भी लगता है देखने में, और कहीं पे भी आप कर सकते हैं, किसी टेबल पे लगा सकते हैं, किसी ड्रॉअर सकते हैं। और इसकी तो सबसे अच्छी चीज़ यही लगती है कि वो सेल्फ एडहेसिव होता है, प्लस वो रिमूव भी बहुत अच्छे से हो जाता है। तो जब तक मन करे तो अपना लगा के रखो। और एक और अच्छी बात है ये कि वो सुपर अफोर्डेबल है, तो उसका भी कोई झमेला नहीं है कि बहुत महंगा है कैसे बार बार। तो मेरे को सबसे अच्छा लगता है कि जब मन करे तब उसको चेंज कर लो और अपने हिसाब से। तो अभी मैंने किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सोच रही हूँ कि और भी जगहों पर मैं करूँगी। मेरे पास है कुछ डार्क ब्राउन कलर के चेस्ट ऑफ ड्रॉअर्स, उनको मैं सोच रही हूँ कि उसको वाइट में या फिर कुछ ऐसा वुडेन टेक्सचर में या फिर जैसा भी मुझे मिलेगा उसमें मैं उसको कन्वर्ट करने का सोच रही हूँ। तो जब मैं वो करूँगी तो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बट तब तक के लिए आप लोग वही देखना। वो मेरे किचन में एक ड्रॉअर था कैबिनेट के अंदर, वो ड्रॉअर अभी नया मतलब बना हुआ था, तो काफ़ी वैसे गंदा हो चुका था, उसे पेंट वेंट नहीं था। तो मैंने सोचा कि जब तक पेंट नहीं करते तब तक यही करके लगा देते हैं, बट अच्छा लग रहा था, तो मैं शायद मोस्ट प्रोबेबली उसको हमेशा वैसे ही रखने वाली हूँ अलग अलग चेंज करके। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में, तो आगे देखते रहिए ये वीडियो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को, ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस और बनाती रहूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी मैं बनाने जा रही हूँ बनाना पैनकेक, और ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, बच्चों को भी ये बहुत पसंद आता है और बड़ों को भी बहुत पसंद आता है। तो अगर आपको मीठा कुछ पसंद है तो ये ज़रूर आप ट्राई करिए, अगर आपने नहीं किया है तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। अभी बनाना पैनकेक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 3/4 कप मैदा। मैदे की जगह पर आप आटा भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो एक हेल्दी ऑप्शन होता है। और यहाँ पर 1/4 कप रवा या सूजी भी ऐड कर देंगे इसमें हम।
इसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर या गुड़, जो कुछ भी हम प्रेफर करते हैं, दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं गुड़ यूज़ कर रही हूँ जो कि ये पाउडर्ड फॉर्म में है, तो इसको हम ऐसे ही मिक्स कर सकते हैं। और अगर आपके पास खड़ा वाला गुड़ है तो फिर उसको पानी में घोल के या फिर दूध में घोल के, इसमें हम दूध ऐड करते हैं इसको इसको मिक्स करने के लिए, तो दूध में भी घोल के डाल सकते हैं या पानी में घोल के डाल सकते हैं। और मैं इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी ऐड कर दूंगी, जिसको मीठा सोडा भी बोलते हैं, तो वो ऐड करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सी काली मिर्च डाल दे रही हूँ। आप इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल सकते हैं, बिल्कुल हल्का सा, और थोड़ा इलायची पाउडर भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम एक पका हुआ केला ले लेंगे, इसको ऐसे चॉप कर देंगे और इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। तो केले को अच्छे से मैश करने के बाद यहाँ पे हम लोग एक बोल में थोड़ा सा दूध ले लेंगे और दूध को थोड़ा थोड़ा करके ऐसे मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हम मिक्स कर देंगे अपने हमारे जो वेट इंग्रेडिएंट्स हैं उनके अंदर, और स्लोली स्लोली इसको हम मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना पड़ने पाए। बिल्कुल धीरे धीरे इसको मिक्स करते हुए जाना है कुछ इस तरह से। तो ये काफ़ी गाढ़ा होने लगता है, जब कि गाढ़ा होने लगे तो इसमें आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। बहुत ज़्यादा पानी एक बार में नहीं डालिएगा, नहीं तो बहुत वाटरी हो जाएगा ये। और इसमें मैं थोड़ा सा घी भी ऐड कर दे रही हूँ, यहाँ पे मैंने देसी घी ऐड किया। आप चाहिए तो रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, देसी घी काफ़ी हेल्दी ऑप्शन होता है, तो वो आप डालिए तो ज़्यादा अच्छा है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इसका देसी घी के कारण। और यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ सा बैटर बना लेना है आपको थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके। और फिर तवा जब गर्म हो जाए, यहाँ पे मैंने तवा रख दिया है, तवा काफ़ी गर्म हो चुका है, थोड़ा सा इसे मैंने ऑयल लगाया है। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐसे बैटर गिराती जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़े अलग अलग साइजेस के पैनकेक्स डाल दिए हैं और इस पर मैंने थोड़ा सा ऑयल स्प्रे कर दे रही हूँ ऊपर से। और फिर इसके बाद जब ये पक जाएगा, थोड़ा नीचे से ब्राउन होने लगेगा, तब इसको पलट देंगे ऐसे। बहुत ध्यान से पलटना है, नहीं तो वैसा कुछ हो जाएगा वो, तो थोड़ा ध्यान से पलटना पड़ेगा। और इसको अच्छे से पलट लेंगे, इसको आप अलग अलग साइज़ में बना लीजिए, अलग अलग शेप्स में बना लीजिए, बहुत सारे शेप के भी ऑप्शन होते हैं, कुछ आते हैं मोल्ड्स उसके, उसको डाल के भी बना लेते हैं लोग अलग शेप्स के। तो यहाँ पे मैंने ऐसे ही रखा हुआ है। अब इसके बाद मैं दूसरा स्लॉट भी डाल दूँगी इस पर, तो ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे पैनकेक बनके तैयार है, बिल्कुल कुछ इस तरह से प्लेटिंग कर लेंगे उसके हम। और जो भी फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हैं वो सब आप डाल दीजिए, और स्ट्रॉबेरी डाल सकते हैं, ब्लूबेरी या जो भी फ्रूट्स अवेलेबल है सब कुछ इसके साथ आप खा सकते हैं। और ऊपर से थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डाल दिया है हनी, आप चाहिए तो मैपल सिरप डालिए या फिर हनी डालिए या फिर कोई और सिरप डालिए, चॉकलेट सिरप वगैरह डालिए, कुछ भी डाल के ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने हनी यूज़ किया है और ये बिल्कुल डिलीशियस सा पैनकेक बन के तैयार है। तो मस्त नाश्ता वाश्ता करने के बाद छुटकू यहाँ पे क्या कर रहा है हमारा, मस्त यहाँ पे नहाने की तैयारी हो रही है। छोटा सा पूल है इनका, इसके अंदर ये एकदम, ये देखो एटीट्यूड देखो मैडम के, मस्त ये अपना खेलेगी इसमें। अरे बाबा रे, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो यही सब अपना थोड़ी देर ये करती रहेगी, इसमें थोड़ी बिजी रहेगी, इसको इतना भी वेट नहीं हो पाया कि इसमें पानी पूरा भर जाए। और पता नहीं कैसे हमारा बाहर का जो है उसमें से पानी नहीं आ रहा था, कहीं से बंद था, तो उतना भी हम वेट नहीं कर पाए क्योंकि हमको पानी भरना ही पड़ा। ये एकदम बेचैन हो गई थी इसमें जाने के लिए, तो हम लोगों ने किचन से ही इसको लगा दिया था, तो ये काफ़ी धीरे धीरे भर रहा था पानी इसमें। बट इनको कहाँ था, एकदम मस्त अपना होके खेल रही हैं इसमें। पानी में तो आप लोगों को पता ही है कि इसको कितना मज़ा आता है, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ी देर छोड़ देते हैं, हमें भी बहुत सारा काम है, तो बाहर वो सब काम भी करते रहेंगे, ये अपना बिजी रहेगी, ज़्यादा तंग नहीं करेगी, इधर उधर सब कुछ आके टच करने लगती है ये,
तो ये अच्छा है बिज़ी करने का इसको तरीका। और अभी गर्मी के कुछ दिन ही बचे हैं, इसके बाद तो ठंड भी आ जाएगी, तो अच्छा है आज का दिन काफ़ी गर्म था तो हम लोगों ने इसको बाहर छोड़ दिया। तो ये अपना खेल रही है, बच्चों के लिए अच्छा टाइम पास हो जाता है इसमें, तो ये काफ़ी देर तक इसमें बिज़ी रहने वाली है, तब तक हम लोग भी अपना काम फटाफट से करना शुरू कर देते हैं। तो ईशु बेबी जब तक यहाँ बिज़ी है तब तक मैं भी अपना काम कर लेती हूँ, क्योंकि घर के अंदर भी काफ़ी चीज़ें फैली हुई हैं, मतलब बच्चे होते तो खिलौने तो फैल ही जाते हैं, जैसे आप यही देख लीजिए, ये है ऐसे फैले हुए छोटे छोटे से पूरे उसके अंदर घुसे हुए हैं, और इधर भी कोने में कोई कोना नहीं होगा ऐसा बाकी जहाँ पे खिलौने ना हो। और यहाँ पे डैडी भी अपने काम पे लग गए हैं, ये जो ग्रास है उसको कट कर रहे हैं, तो मेरे से तो ये चलता ही नहीं, मैंने तो पहली बार खुद ही ट्राई किया कि थोड़ा इसको चला के देखूँ तो हिल ही नहीं रहा था मुझसे, थोड़ी सी अनइवन टाइप की ज़मीन है ना यहाँ पे तो हिलता नहीं है मुझसे ये, तो ये ऐसा कुछ होता है दिखने में। और पीछे जो है इसके एक वेस्ट पैक दिया हुआ है जिसके अंदर जो घास कटती है वो सारी इकट्ठा होती जाती है, तो फेंकने में काफ़ी इजी हो जाता है। और यहाँ पे जो है इस टाइप का जो बैग आता है ब्राउन कलर का, इसमें करके फेंकना पड़ता है, वेस्ट बैग के लिए अलग से आते हैं तो उसमें डाल के फेंकते हैं। और यहाँ पे रोज़ भी नहीं फेंक सकते कि कभी भी कहीं भी उठा के फेंक दो, उसका भी टर्न होता है अपना, आता है सिटी से जो गार्बेज लेने आता है उसमें ही लेके जाते हैं यार्ड वेस्ट, तो ये भी एक झमेला है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा पूरा हो चुका है क्लीनिंग का काम, और अभी हम लोग थोड़ा रेस्ट वेस्ट करने के बाद शाम के टाइम निकल चुके हैं पार्क जाने के लिए। तो अभी आप सोच रहे होंगे शाम का है धूप है, बट यहाँ शाम में भी धूप ही रहती है नॉर्मली गर्मी के दिनों में, अभी तो आजकल थोड़ा जल्दी अंधेरा भी होने लगा है बट काफ़ी उजाला है अभी भी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, तो ये वीडियो है वहाँ पार्क के पास जो पार्किंग एरिया है उसका। तो ये आप देखिए पेड़ों के पत्ते कैसे अपना कलर चेंज करने लगे हैं, इसका मतलब है फॉल आने वाला है, कुछ पत्ते तो झड़ना भी शुरू हो चुके हैं, अभी काफ़ी झड़ रहा है पतझड़ आ रहा है, और यहाँ पे फॉल में बहुत ही सुंदर हो जाता है, पेड़ों के जो पत्ते हैं बिल्कुल कलरफुल हो जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा पार्क है ये, बट इसमें ज़्यादा कोई रहता नहीं है, मतलब हम लोग जब भी गए कोई नहीं रहता है, तो आराम से हम लोग थोड़ा सा टहल रहे हैं, फिर उसके बाद लेके जाएंगे इनको प्लेग्राउंड की तरफ। हम लोग यहाँ पे प्लेग्राउंड में पहुँच चुके हैं, तो इसको मज़ा आ रहा था, अपना खेल रही थी, कभी हम लोग तो इसके पहले छोड़ते नहीं थे कहीं पे भी ऐसे, तो अभी खेल रही हैं मस्त अपना, बच्चे रहते हैं ना तो डर लगता है चारों तरफ वो खेलते वेलते रहते हैं, तो छोटी है अभी और ज़्यादा इसको कुछ मतलब एक्सपीरियंस नहीं है पार्क में आने का, क्योंकि कोविड की वजह से हम लोग ले ही नहीं आ पाते थे इसको, डर भी लगता था। और ये काफ़ी खाली है, मतलब खाली क्या कोई भी नहीं दिख रहा है, एक बच्चा था बस यहाँ पे जो खेल रहा था, तो वो भी अभी नहीं है। तो ये है अपना, बहुत ही सुंदर सा है, यहाँ पे भी छोटा सा ये एक पार्क है बट काफ़ी अच्छा तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ है, साफ सुथरा है बिल्कुल, इसको भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, अब तो ये आएगी, नॉर्मली तो ये हमें लग रहा था कि रेत से बाहर आएगी नहीं, इतना प्यार है रेत से बाहर जाती है तो, मतलब बैकयार्ड में हमारे है ना एक सैंड बॉक्स, तो वहाँ पे तो जब जाती है तब उसी में मतलब खोई रहती है, बस उसमें से निकालती है रेत भरती है इधर उधर, बट यहाँ पे इसको अच्छा लग रहा है तो बढ़िया है, बच्चे के साथ तो हमें भी बच्चा बन जाने का मन कर रहा है, इतना मज़ा आ रहा है, हम लोग जब छोटे थे तो इतना बढ़िया बढ़िया पार्क में नहीं जाते होंगे, कभी घूमने उमने कहीं जाते थे तब मिल जाता था, बाकी तो इतना अच्छा पार्क कहीं रहता नहीं था, तो सही है बच्चों को कहीं दिख जाता था पार्क तो हम लोग शहर में आता था बीच बीच में कभी कभी, कुछ प्रदर्शनी एग्जीबिशन ऐसा टाइप का आता था तो उसमें हम लोगों को बहुत मज़ा आता था, अलग अलग टाइप के झूले आते थे और ये सब, तो हम लोग के लिए तो बचपन में वही था, अभी तो यहाँ पे अच्छा है, बच्चों के लिए काफ़ी कुछ है। तो हम लोग भी अभी खेल कूद के थक चुके हैं, सोच रहे कुछ खा लें क्योंकि काफ़ी काम हो गया था,
और अभी ये नहीं लगा कि घर जाने वाले हैं अभी इतनी जल्दी, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो खा लेते हैं। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे आए थे कनेडियन टायर में। फिर यहाँ से ज़्यादा कुछ लिया नहीं था इसलिए मैंने अंदर की रिकॉर्डिंग की नहीं, तो बस यहाँ से हम लोग कुछ सामान लेंगे और फटाफट से चल चलेंगे घर। तो आज तो बहुत ही सारा काम हो गया और बहुत थकान भी हो गई, तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे अभी बन नहीं रहा है। प्याज के पराठे मैं बना दे रही हूँ क्योंकि ईशानवी ने तो कुछ भी नहीं खाया था, तो उसके लिए बना रही हूँ मैं पहले। तो यहाँ पे मैं उसको खिला रही हूँ, तोड़ के दे दिया है बट लगता नहीं कि मूड है खाने का। ये बस टाइम पास कर रही है इधर उधर कि खाना हटा लो कोई भी किसी भी तरह से, कुछ नहीं इसको खाने का मन हो रहा है अभी। मैं बार बार बोल रही हूँ खा लो यम्मी है, लेकिन बोल रही है कि यम्मी है बट खा नहीं रही है। और दही तो इसको बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि शायद दही से खा लेगी, तो वो भी काम नहीं कर रहा है अभी, मूड नहीं है। इतना खेलने के बाद भी भूख नहीं लगी है। ये तो खा नहीं रही, तो मैंने सोचा कि अब बहुत देर हो गई है तो मैं भी खा लेती हूँ थोड़ा बहुत जो भी खाना है। तो अभी ट्राई कर रही हूँ मैं इसको कि अभी खा लेती है या नहीं, तो अभी शायद थोड़ा खा लेगी लग रहा है, बट खाया ही नहीं इसने अच्छे से। तो चलिए जो भी हो, दिन आज का तो बहुत थकान वाला रहा। तो जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मैं आप लोगों के साथ DIY शेयर करूँगी, तो ये है तो कुछ वैसा था जो भी कबर्ड था, और उसके साथ यहाँ पे चाहिए एक ऐसा सेल्फ एडहेसिव रोल टाइप का आता है, जैसा भी आपको मिले वैसा ले लीजिए। और ये तो क्लीनर है, तो वाइप्स से हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया है पहले। और कुछ भी DIY करना है या पेंटिंग करना है कुछ भी करना है, तो आपको सबसे पहले तो होता है ना कि सरफेस जो भी है जहाँ पे कुछ यूज़ करना है उसको क्लीन कर दो अच्छे से। तो यहाँ पे सबसे पहले क्लीन कर देंगे, फिर उसके बाद टिश्यू से ड्राई कर देंगे। और तो यहाँ पे मैंने टिश्यू से ही सुखाया है, ऐसे भी आप छोड़ दे तो थोड़ी देर में सूख ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिया है ये वाइनल पेपर, जो होता है मतलब पेपर तो बिल्कुल नहीं होता है, वाइनल का होता है ये, तो जिससे क्या होता है कि थोड़ा वाटर प्रूफ होता है और इतना कमज़ोर टाइप का नहीं होता, काफ़ी स्ट्रांग होता है ये, तो इसमें पानी वानी भी गिरता है तो कोई असर नहीं होता है ज़्यादा। और ये जो रोल है वाइनल रोल, ये कुछ ऐसा होता है जो पूरा अच्छा अच्छे से लिखा हुआ है, और सारा तो ऐसा नहीं होगा ना, सब अलग अलग होता है, बट मेरे पास जो है उस पर काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है कि कितने इंचेस है, तो कटिंग करने में काफ़ी इजी हो जा रहा था, और पूरी लाइनिंग ऐसे बनी हुई थी, और लाइनिंग तो सब पे बनी रहती है, और कुछ ऐसा रहता है सेल्फ एडहेसिव रहता है, तो ऐसा कुछ रहता है वो। और उसको बिल्कुल आप इस तरीके से चिपका दीजिए कटिंग करके, और कोई कार्ड की हेल्प से इसको बिल्कुल ऐसे ऐसे करते जाइए, तो जितने भी इसमें एयर बबल्स होंगे या कुछ होंगे तो वो निकलते जाएंगे। और आपको इसको बहुत सावधानी से लगाना है, ऐसा नहीं कि किसी भी तरह लगा दिया। फिर इसके जो एजेस हैं जो एक्स्ट्रा आपके यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये डिज़ाइन है, तो जो भी आता है थर्माकोल कटर या कुछ भी किसी टाइप का कटर आता है उससे आप कट कर लीजिए इसको। और ऐसे ही फिर इन सभी को सारे जो चार है पोर्शन यहाँ पे मेरे पास, उसमें मैंने कर लिया। और यहाँ पे तो मैं इसको अंदर भी लगा दूँगी, तो ऐसे खोलने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं तो पूरा ये टोटल ऐसा कुछ दिखता है करके चारों तरफ से। अंदर तो आप नहीं भी करिए तो भी सही है, बट ये अच्छा रहता है, ये तो दिखने के लिए है, और अंदर क्लीनिंग के लिए भी वो काफ़ी अच्छा रहता है, साफ़ वाफ अच्छे से हो जाता है ये, तो इसलिए मैंने अंदर भी लगा दिया है। ये आप किसी भी किसी अलमीरा में या फिर कहीं पे भी लगा सकते हैं जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।